लेडीज एंड जेंटलमैन, रिसेंटली खबर आई है कि फेसबुक पे अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए पाकिस्तान के हारे हुए जनरल मिस्टर परवेज मुशर्रफ जी पॉलिटिक्स में अपनी री एंट्री कर रहे हैं। इतने एक्साइटेड है कि उन्होंने अपनी पार्टी का लोगो भी बना लिया है, देखो। एक तो ये पाकिस्तान में कितनी मुस्लिम लीग्स हैं यार, PML, PPML, JML, MLML। लगता है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की क्वांटिटी इंडिया में गांधी के नाम पे बनी बिल्डिंग से भी ज्यादा है। एनीवे, सिंस मुशर्रफ साहिब को कोई पाकिस्तानी टीवी चैनल इंटरव्यू के लिए घास भी नहीं डाल रही, वी प्रेजेंट टू यू एन एक्सक्लूसिव विद द मैन हिमसेल्फ। चपलों के साथ स्वागत करें मिस्टर परवेज मुशर्रफ का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमित, ग्लैड टू बी हियर। ठीक है, ठीक है। तो पहले ये बताओ, ये आपने इंग्लैंड में बैठे बैठे पॉलिटिक्स में एंट्री करने का कैसे डिसाइड किया? देखो सुमित, इसके काफी सारे जो है रीजन है। पहली बात, आजकल इंग्लैंड में पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तानी है। इनफैक्ट जस्ट यस्टरडे आई मेट मजर मजीद एंड दाऊद एंड वी प्लान्ड टू फिक्स बिलावल बिफोर ही फिनिशेस हिज डिग्री हियर। दूसरा, आपको पता ही है कि मुझे बैकडोर एंट्री करने की आदत है। आई हैव f***ed नवाज शरीफ वंस ऑलरेडी एंड नाउ आई हैव सेट मायसेल्फ अ हायर टारगेट ऑफ f***ing ओवर द एंटायर कंट्री। आई वांट टू प्रूव कि इस मामले में मैं जरदारी साहब से बेटर हूं। एंड फाइनली, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिसबाउल हक जैसे घटिया प्लेयर को रिटायरमेंट से निकाल के फिर से कैप्टन बना सकती है तो मुझ में क्या कमी है भाई। एंड फाइनली, आपने देखा ही होगा कि मेरे फेसबुक पेज पे 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर मी। सर, फेसबुक पेज वो उदय चोपड़ा भी है फेसबुक पर और उसके भी 1 लाख फैंस हैं, बट पिक्चर देख रहे हैं तो 10 आदमी से ज्यादा कोई आते नहीं। आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे? सुमित, उसकी टेंशन आप ना लें, क्योंकि मेरी पार्टी के वर्कर्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि जो भी हमें वोट देगा उसको हम रोजमर्रा की जिंदगी की सारी सहूलतें मुहैया कराएंगे, वो भी फॉर फ्री। रोटी, कपड़ा और मकान? नहीं 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 सुमित, आई मेंट बुलेट प्रूफ जैकेट, AK-47 और एक सलवार कमीज। एक और बात, आप सिर्फ इंडियन मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? इट सीम्स कोई भी पाकिस्तानी न्यूज चैनल आपको ज्यादा भाव नहीं दे रहे। क्या बकवास है, देखो ये सब प्लान है। पाकिस्तान में रेलेवेंट होने के लिए पहले इंडिया में रेलेवेंट होना पड़ता है। जैसे कि दाऊद इब्राहिम, वो पहले इंडिया में फेमस हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में फेमस हुआ है। मैं भी वही ट्रिक अपना रहा हूं बस। ऐसा तो नहीं कि आप पाकिस्तान जाने से डरते हैं, आपकी फटती है? बकवास, हम क्यों डरेंगे, हमारे बाप ने डरना नहीं सीखा किसी से। मम्मी, लो ये देखो, ये देखो, लगता है यहां से भी भाग गए। क्या आदत से मजबूर आई गेस। एनीवे, ब्रेक के बाद फाइनली मिलेंगे सविता भाभी से इन हर बर्थडे सूट।